ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर कंटेंट को समझ लो ताकि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो। हमको इसमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम इसमें पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टेप्स खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको पूरा सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, पढ़ाई का ये सीक्वेंस है, ऐसे पढ़ना है चैप्टर। ये स्टेप खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे डेलीगेशन का कंसेप्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट। इसको करने में हमारा जाएगा आज का दिन, कल का दिन, मंडे का दिन। सैटरडे को क्लास नहीं रहेगी, आज का दिन, कल का दिन, मंडे का दिन, तीन क्लास का ये चैप्टर है। उसके बाद इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। मेरी बात समझ आई? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको सिनॉप्सिस मैंने बता दिया है, इतना ये चैप्टर है। अभी तक जब थ्योरी हुआ करता था इसका एग्जाम में वेटेज जो होता था 5 से 8 मार्क का होता था, अब एमसीक्यू हो गया तो भगवान भरोसे क्या पूछ देगा मेरे को भी नहीं पता। चलिए मैं आपको शुरू करा रहा हूँ, एक एक चीज सिखा रहा हूँ, समझना, कहीं डाउट हो तो बता देंगे, क्योंकि सर ये चीज नहीं समझ आई। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग, तो ये मैनेजमेंट का फंक्शन है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर टास्क कॉल्ड जॉब्स। जब आप काम को पहचानते हो और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, जिनको जॉब्स बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे आज मैं एक बात कहूं कि अंश को एक फैक्ट्री डालनी, ये चॉकलेट फैक्ट्री डालना चाहता है, तो इसके पास काम क्या क्या है, इसको करना क्या क्या है? सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। सही बात है, गलत बात? सही बात है, गलत बात है? चॉकलेट फैक्ट्री डालेगा तो रॉ मटेरियल परचेज करना है कि नहीं करना है? हाँ या ना? यस सर। भाई रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिर रॉ मटेरियल परचेज हो जाएंगे तो बताओ अगला काम क्या करेगा? रॉ मटेरियल परचेज हो जाएंगे तो अगला काम क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। प्रोडक्शन के बाद क्या करेगा सर? डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग करेगा, फिर सेल्स करेगा। पैसा आएगा तो उसका हिसाब किताब रखना होगा, तो हिसाब काम खुद करेगा कि सब में बांट देगा काम? आपको क्या लगता है? बांट देगा। तो मीनिंग देखो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचानो, फिर वर्क को डिवाइड कर दो छोटे छोटे हिस्सों में, जिनको जॉब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉब्स। इसे ही हम बोलते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग करना। जब आप वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम जॉब कहते हैं। आपको इसमें कोई तकलीफ है क्या, ये बता दो? आपको इसमें कोई तकलीफ है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ या ना? आ गया। अब ऑर्गेनाइजिंग करी कैसे जाती है, आप कैसे ऑर्गेनाइजिंग करोगे, इसका स्टेप क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? तो अगर आपको वर्क को प्रॉपरली अरेंज करना है, डिवाइड करना है, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स में चलता है। सीख लो, रट डालो एकदम अच्छे से। सबसे पहला काम आपको जो करना होगा वो ये है कि पहचानना होगा कि टोटल वर्क कितना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, ये सबसे पहला काम है। और जब ये कर लोगे तो फिर वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, मतलब जॉब्स बना देना, एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ब्रैकेट में मैं जॉब्स लिख दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा में। पहला स्टेप समझ आया कि नहीं आया, क्या करना है आपको ऑर्गेनाइजिंग में? काम को पहचानना है, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देना है। बताइए इसमें कोई तकलीफ, इस बात पे कोई तकलीफ? ऑर्गेनाइजिंग करने जा रहे हो, अब जो भी काम कर रहे हो पहले वर्क को आइडेंटिफाई कर दो करना क्या है, और उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दो। जब आप वर्क को डिवाइड कर दोगे तो नेक्स्ट थिंग आप जो करोगे वो करोगे क्रिएट डिपार्टमेंट्स।
क्रिएट डिपार्टमेंट का मतलब होता है ग्रुपिंग द सिमिलर जॉब्स अंडर वन हेड ऑब्लिक डिपार्टमेंट। जो जो काम एक प्रकार के हैं या एक नेचर के हैं उनको मिला के अब आपको डिपार्टमेंट बनाना होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे जर्नल बनाना है, लोगों को पेमेंट करनी है, ठीक है, पैसे रिसीव करने हैं, बैलेंस शीट पी एंड एल बनाना है, तो आपको क्या लगता है इन सारे कामों को मिलाकर मुझे कौन सा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, ये बताओ कौन सा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए? फाइनेंस। वेरी गुड, कौन सा डिपार्टमेंट? फाइनेंस डिपार्टमेंट। मैं बोलता हूँ मुझे गुड्स को प्रोड्यूस करना है, बनाना है, बराबर गुड्स पे लेबल लगाना है, गुड्स की पैकिंग करनी है, तो मैं ये सब चीज को किस डिपार्टमेंट में डाल दूं? ये सब को मैं किस में डाल दूंगा? प्रोडक्शन में। तो आपके यहाँ हजारों काम होंगे जब आप आइडेंटिफाई और डिवाइड करोगे तो जो जो काम आपको सिमिलर लग रहे हैं उनको मिलाकर आप क्या बना दो? डिपार्टमेंट बना दो। आप बताओ ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। अच्छे से। तो जब आप ये डिपार्टमेंट बनाने जाओगे ना तो दो तरह के डिपार्टमेंट आप बनाते हो, और ये दिमाग में एकदम फिट कर देना बेटा, भूलना मत। या तो आपके डिपार्टमेंट बनते हैं फंक्शनल, कैसे बनते हैं? फंक्शनल, ठीक है। या तो डिपार्टमेंट आपके बनते हैं डिविजनल, कैसे? डिविजनल। जब आप कहते हो फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एक मिनट हाँ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड ऑल डिपार्टमेंट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट। जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो और उसको बनाने के लिए ही आपको सारे डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं तो उसे फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक फैक्ट्री चलाते हो, आपकी फैक्ट्री में केवल प्रोड्यूस किया जाता है हेयर डाई, तो अब जो परचेज डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ हेयर डाई के रिलेटेड माल को खरीदेगा, उसी का प्रोडक्शन होगा, हेयर डाई की ही मार्केटिंग होगी, इसी की सेल्स होगी और इसी की फाइनेंस होगी। मतलब एक प्रोडक्ट है और सारे काम जो हो रहे हैं इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हो तो इसे फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जब मैं कहता हूं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन तो इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग टू और मोर प्रोडक्ट एंड ऑल डिपार्टमेंट आर मेड अकॉर्डिंग टू डिविजन। सर बहुत बोर लग रहा है, इतना लिखो गया तो आप हमको क्या समझ आएगा, बस समझाना तो पड़ेगा ना भैया कैसे करेंगे। डिविजनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है आपके यहाँ दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब क्योंकि दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आपके जो डिपार्टमेंट और डिविजन से वो बढ़ जाएंगे। कैसे समझना? आप फैक्ट्री चला रहे हो, अब मैं बोलता हूँ आपकी फैक्ट्री में दो सामान बन रहा है, इधर आइसक्रीम बन रही है तो साथ साथ चॉकलेट भी बन रहा है, तो अब एक बात बताओ आइसक्रीम और चॉकलेट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही, सीधी सी बात है, अलग अलग होगा। तो अब क्योंकि आपके यहाँ दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे तो आपके यहाँ डिविजन हो जाएगा। आइसक्रीम के सारे डिपार्टमेंट अलग होंगे, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस। सिमिलरली चॉकलेट के अलग होंगे, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। आप बताओ आपके दिमाग में कितना गया और कितना नहीं गया? आपके दिमाग में बात गई? मैंने जो बोला ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो ना, वर्क अरेंज करना है, वर्क को पहचानो, छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। जब हिस्से में बांट दोगे तो डिपार्टमेंट बनाना, जो जो काम एक जैसे उसको मिलाकर एक सिंगल हेड बनाना जो डिपार्टमेंट कहलाएगा। अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हो तो फंक्शनल डिपार्टमेंट कहलाएगा, और एक से ज्यादा तरह का प्रोडक्ट बनाते हो तो डिविजनल डिपार्टमेंट कहलाएगा।
बोलो कितना समझ आया? सर आ गया समझ। श्रेयांश अंश समझ आया? आ गया सर। यस सर। कहीं कोई तकलीफ? अब तीसरी चीज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। कहने का मतलब बेसिकली यहां पर यह है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ मैनेजर। हर डिपार्टमेंट में क्या आ जाएगा? मैनेजर। एंड दैट मैनेजर शैल असाइन ड्यूटी टू स्टाफ ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जब आप डिपार्टमेंट बना लोगे तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना देना जो वहां का मैनेजर कहलाएगा। परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर है। अब जब ये मैनेजर बन जाएगा तो फिर ये अपने स्टाफ को ड्यूटी असाइन किया करेगा। आप बताओ, बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आप बताओ, बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? सर हेड बनाने के बाद क्या बोले? अब हेड जब बन जाएगा, मैनेजर आ जाएगा हर डिपार्टमेंट में, तो वो जो मैनेजर है फिर अपने नीचे के स्टाफ को ड्यूटीज असाइन किया करेगा, ड्यूटीज दिया करेगा कि तुमको ये करना है। जैसे मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड या मैनेजर बना दिया गया तो मेरे नीचे जो एम्प्लॉइज आएंगे उनको मैं ऑर्डर दिया करूंगा, मेरे ऑर्डर पे वो मेरा काम किया करेंगे। बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। और एट लास्ट जो होगा वो होगा एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन। सीधा सा फंडा है यार, देखो बात समझो। कंपनी सौम्या की है तो ये हो गई कंपनी की ओनर। इसने ही ऑर्गेनाइजिंग किया था तो इसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, जैसे प्रोडक्शन परचेज सेल्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर मैं हूं, परचेज डिपार्टमेंट का श्रेयांश है और सेल्स का अंश है। हम सब अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। हमारे नीचे आते हैं एम्प्लॉइज, हम लोग इनको काम देते हैं। तो एक बात बताओ, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहाँ के एम्प्लॉइज रिपोर्ट किसको करेंगे? मुझे करेंगे। सही बात है गलत बात है? यस सर। परचेज डिपार्टमेंट में जब एम्प्लॉइज काम कर देंगे तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे? श्रेयांश। सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज जब अपना काम कर देंगे तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे? अंश। अंश को। तो यहाँ पे सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन? यहाँ सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट? हाँ, मैं हो गया श्रेयांश। हम सुपीरियर है और हमारे जो वर्कर है वो हमारे क्या हो गए? सबऑर्डिनेट। अब हम लोग किसको रिपोर्टिंग करेंगे? ओनर। कौन सुपीरियर? सौम्या सुपीरियर हो गई और हम लोग क्या हो गए? तो भाई जब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होती है ना, तो यहाँ पे काम को बांटा जाता है, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो इसे होता ये है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बन जाता है। हमारे कुछ सबऑर्डिनेट होंगे और हमारे कुछ सुपीरियर होंगे, तो जो हमारे नीचे होंगे वो हमको रिपोर्ट करेंगे और जो हमारे ऊपर होंगे हम लोग जाके उनको रिपोर्ट करेंगे। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई सर। आप सब लोगों को एकदम अच्छे से? सर कोई डाउट नहीं है? तो आपने क्या कंप्लीट किया? आपने यहाँ पर कंप्लीट किया ऑर्गेनाइजिंग का मतलब और ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप। आपको समझ आया? यस सर। फंक्शनल और डिविजनल समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, हाँ या ना? यस सर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस। ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आधा खत्म हो चुका होगा। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो उसका इंपॉर्टेंस या मैं कहूं एडवांटेज क्या है, क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजिंग करने? तो अगर ऑर्गेनाइजिंग करोगे ना, बराबर डिपार्टमेंट बनाओगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रखोगे,
तो सबसे पहले होगा क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन, क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमको पता है मेरे को श्रेयांश को अंश को कि हमारी बॉस कौन है, सौम्या है। वैसे इन सारे एम्प्लॉइज को भी पता है कि इनके बॉस कौन है, हम लोग हैं। तो वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी आ जाती है, पता चल जाता है कि कौन बॉस है और कौन जूनियर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट। बात समझ आई कि नहीं आई, ये बोलो। यस सर। दूसरी चीज स्पेशलाइजेशन आता है। मैं प्रोडक्शन में अच्छा हूं इसलिए मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया गया, ठीक। अंश सेल्स में अच्छा है इसलिए उसको सेल्स डिपार्टमेंट दिया गया। तो क्या होता है जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उस इंसान को डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो उस काम में बहुत अच्छा होता है। तो जब वही काम वो बार बार करता है तो बहुत अच्छे से करता है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। हाँ यस सर। यस सर। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग जो होती है वो ये होती है इससे कि आप एक्सपेंशन बहुत अच्छा कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आपके डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी कर सकते हो, ग्रो करेगा बिजनेस। आज रिलायंस इतना अच्छा ग्रो क्यों किया है, क्योंकि उसके मैनेजर जबरदस्त हैं। अगर मैनेजर बर्बाद होते तो ये ग्रो नहीं कर पाता रिलायंस। और इससे अगर कहीं आप बोलोगे ना तो एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट होती है। किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉइज की, भाई वो स्पेशलिस्ट मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं तो ये मैनेजर उनसे अपना नॉलेज शेयर करता है, तो ये एम्प्लॉइज भी उसी काम को कर करके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये फायदे होते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग के। आपको ये फायदे समझ आए कि नहीं है, ये बताओ। हाँ यार। yes, आ गए। yes, इस ऊपर से नीचे तक देख लो भैया, कोई तकलीफ हो तो बता दो, पढ़ डालो फटाफट, इसको पढ़ डालो, कोई तकलीफ हो तो बता दो। Yes, हो गया बेटा। नीचे देखो, स्टेप्स देखो, देखो बनेगा। yes, yes, समझ आया कि नहीं है? आ गया सर, एग्जांपल समझ आ गया सर, समझ। थर्ड स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, फोर्थ स्टेप रिपोर्टिंग रिलेशन, ये समझ आया? यस सर। एडवांटेज में किसी में कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे जाके आपका एक खत्म हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट पूरा का पूरा आपने मीनिंग स्टेप और इम्पोर्टेंस कर दिया, ठीक है। आगे सुन लेना मेरी बात को। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सीबीएसई ने पिछले साल डिलीट कर दिया। हम लेकिन उसका एक ओवरव्यू लेंगे, क्या पता इस साल डिलीट नहीं किया तो बेमतलब बाद में चकल जा सो। तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, और फिर हमको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करना, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ये मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ, इसको देख लेना आराम से, ठीक है। यस सर। ये कर भाई, तुम लोग कुछ दे देना धारा मैम को जाने से पहले, है ना, बंद कर देना, कीज दे देना, साइड में रख देना, जैसा ठीक लगे मैम को बता देना, ठीक है। श्रेयांश अंश। यस सर।